आज हम बात करने वाले हैं ऑल आईज ऑन मी मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। 1971 में प्रदर्शनकारियों का एक समूह न्यूयॉर्क में गर्भवती फिनिक्स शकूर की रिहाई की मांग करने के लिए इकट्ठा हुआ, जिस पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया था जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन एक रंग की महिला के रूप में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वो अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब रही। एक रिपोर्टर उसका साक्षात्कार करने का फैसला करता है और नस्लवादी सरकार के प्रति उसके असंतोष के बारे में सीखता है। साथ ही अलग रंग के लोगों के लिए सच्ची स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखने के उसके वादे के बारे में भी जानता है। फिर 1975 में तुपाक शकूर एक युवक अपने पिता की बात सुनता है, तभी मदर लू रंग के लोगों को साहस के बारे में एक भाषण देती है जिसमें वो उन्हें अपनी त्वचा पर गर्व करने और उन पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साल बीतते हैं और हम फिनिक्स ब्रॉन्क्स में 1982 में है, जहां एक एफबीआई एजेंट के साथ एक बहस चल रही है जो उन्हें देख रहा है। क्रिसमस पर दो पुलिस अधिकारियों की हत्या के सिलसिले में मूले लूलू उसकी साथी है। ट्यूपाक और उसकी बहन को उपहार के रूप में कुछ नोटबुक्स दी जाती है, जबकि उनकी माँ को उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ऊपर जाने को कहा जाता है। FBI उस रात उनके घर आती है और परिवार को डराती है। लेकिन जब मूली, जो पहले ही फिनिक्स छोड़ चुकी थी, अपने अधिकारियों को दावा करने की कोशिश करती है तो एजेंट बस उसे बताता है कि उसके पिता एक बैंक लुटेरे हैं। फिनिक्स 5 साल बाद अपने दो बच्चों और टूपाक के साथ बाल्टीमोर जाने का फैसला करते हैं। टूपाक एक थिएटर छात्र है जो हेमलेट के प्रदर्शन में माहिरता प्राप्त करता है। वहां उसकी मुलाकात जेडा से होती है, जिसे वो अपना सच्चा सबसे अच्छा दोस्त बताता है। टूपाक स्कूल के बाद घर लौटता है। उसे पता लगता है कि उसकी माँ पूरे दिन सो रही है क्योंकि वो लू के कब्जे से उदास है। लेक्स एक आदमी किराने का सामान लेकर अपार्टमेंट में आता है। क्योंकि फिनिक्स काम करने में असमर्थ है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये आदमी उनकी देखभाल कर रहा है। लेक्स टूपाक को अपने साथ बात करने के लिए बाहर ले जाता है। उसे बताता है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर मदद मांग सकता है, जिसकी टूपाक सराहना करता है। हालांकि एक आदमी उसके सामने से गुजरता है और लेक्स उसे रोकता है और फिर उसकी पिटाई करता है क्योंकि उसके पास पैसा है। टूपाक इस दृश्य से प्रभावित है क्योंकि वो दूसरे पक्ष से अनजान था। ये सिर्फ एक बुरा दिन था। टूपाक को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वो और उसकी बहन अपनी माँ के अनुरोध पर कैलिफोर्निया जाने वाले हैं, जिसके साथ वो बहस करता है क्योंकि वो जाना नहीं चाहती। लेकिन संघर्ष से बचने और अधिक संघर्ष पैदा करने से बचने के लिए अपना घर छोड़ देती है। वो लैला से बाहर मिलता है, उसे बताता है और फिर उसे कुछ सुनाता है जो उसने खास रूप से उसके लिए लिखा है, जो उन दोनों को इमोशनल कर देता है। अब सीन ऑकलैंड कैलिफोर्निया में वर्ष 1988 का है। टूपाक को रोजगार तलाशने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके कारण वो लैला नाम की एक महिला की सहायता से रैप करना शुरू कर देता है। वो सही लोगों से मिलता है जो उसे डिजिटल अंडरग्राउंड का सदस्य बनाने की ओर ले जाता है। एक हिप हॉप समूह जिसके साथ उसने यहाँ का दौरा किया, जैसे ही दर्शकों ने उसका नाम चिल्लाया टूपाक ने सपने देखना शुरू कर दिया। वह कुछ समय बाद अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया दौरे से घर लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी वहां अवैध ड्रग्स खरीद रही है। टूपाक उसके पास आता है और उसका सामना करता है, विक्रेतियों को घूसा मारता है और उसे कमजोर नहीं होने और विरोध करने के लिए कहता है। टूपाक क्रोधित हो जाता है और बाहर आ जाता है। कुछ दिनों बाद टूपाक डिजिटल अंडरग्राउंड के दंग रह गए नेता से पूछता है कि क्या उसके पास समूह छोड़ने की धमकी देने वाला एक स्टार पल हो सकता है। शॉक्ड इस बात से को स्वीकार कर लेता है और दुनिया को टूपाक का पता चल जाता है। उन्हें अपना एल्बम जारी करने में अधिक समय नहीं लगा, उनका कलात्मक करियर चलने लगता है और वो न केवल संगीत बनाते हैं बल्कि फिल्मों में अभिनय की कुछ भूमिकाएं भी प्राप्त करते हैं। समय बीतता है और टूपाक इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के टेड फील्ड से मिलते हैं, जो एक सौदे में रुचि रखता है। दूसरी ओर ये शिकायत करता है कि टूपाक के गीत दर्शकों के लिए बहुत जोरदार है। टूपाक ने जवाब दिया ये दावा करते हुए कि वो सड़कों की वास्तविकता के बारे में गाता है और उसे इसे नहीं बदलना चाहिए क्योंकि ये उन लोगों के लिए बोलने का तरीका है जो श्वेत सरकार द्वारा नहीं सुने जाते। अब टूपाक अपने गीत को एक ऐसे स्थान पर रखने के बाद उन्हें राजी कर लेता है। टूपाक एक दिन अपनी माँ का पुनर्वास केंद्र ले जाने का फैसला करता है। बाद में वो मेसन काउंटी का दौरा करता है, जहां पुरुषों का एक समूह उसके साथ झगड़ा करता है इस बात का दावा करते हुए कि उसने समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया है। टूपाक उसका सामना करने का फैसला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हो जाती है जो गोलियों की आवाज से कम हो जाती है। हर कोई तीतर बितर हो जाता है और तब पता चलता है कि पीड़ित एक छोटा लड़का था। टूपाक हिंसा से थक जाने के बाद अपने पिता के क्रांतिकारी तरीकों से प्रेरित है। उसी समय टूपाक अपने परिवार के साथ एक दिन का आनंद ले रहा है, जब उसे पता चलता है कि उपराष्ट्रपति टीवी पर उसके एल्बम पर चर्चा कर रहे हैं और उसकी आलोचना कर रहे हैं। उनकी माँ, जो हाल ही में पुनर्वसन से बाहर निकली थी, अपनी चिंता व्यक्त करती है कि वे उन्हें चुप करने में कोशिश करेंगे क्योंकि वह न्यूयॉर्क के अश्वेत समुदाय में एक नेता है। टूपाक अब 1993 में
बिग के साथ दिखाई देता है। संगीत कार्यक्रम के बाद वे उस शक्ति पर चर्चा करते हैं जो प्रभावशाली रैपर होने के साथ आती है, और टूपाक उसे कुछ अच्छा करने के लिए आमंत्रित करता है। टूपाक एक क्लब में एक रात नीगल नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो एल्बम बिजनेस इन्वॉल्व होता है। निगल टूपाक को नाइट के बारे में चेतावनी देता है क्योंकि वो एक खतरनाक व्यक्ति है। दूसरी ओर टूपाक उसे सुनना नहीं चाहता। उसके तुरंत बाद वो चित्रो से मिलता है जो उसे अपने नवीनतम गीत के लिए बड़ी रकम पे करता है, जो टूपाक का मजा लेता है। हालांकि ट्रंप उस धन के स्रोत से असहमत प्रतीत होते हैं। टूपाक ने एक बार फिर चेतावनियां की अवहेलना करने का फैसला किया, खासकर इसलिए क्योंकि अपने वकीलों की लागत के कारण उन्हें कई बार कैद किया गया था। समय बीतता है और टूपाक एक शो के बाद अपनी लिमेसन में अच्छा समय बिता रहा है। जब वो दो गोरे लोगों को एक काले आदमी की पिटाई करते हुए देखता है, टूपाक और उसके साथी हस्तक्षेप करने के लिए कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन गोरे लोगों में से एक बंदूक निकाल लेता है जिसमें उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब टूपाक लिमो से वापस आता है तो वो अपनी बंदूक निकालता है और हमलावरों पर गोली चलाता है जिससे घायल भी हो जाता है। एज अ रिजल्ट ये पता चलने के बाद कि हमलावर ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके तुरंत बाद रैपर विदा हो जाता है और वे एक क्लब में नेल के साथ मिलते हैं जो उन्हें सूचित करता है कि वह न्यायाधीशों को जानता है और उस क्लब में डरने की कोई बात नहीं है। नेल ने उसे ब्रियान से मिलवाया जिसके साथ वह आनंदमय समय बिताता है। बाद में नेल उनके लिए एक होटल में मिलने की व्यवस्था करता है। हालांकि ब्रायन अरा केवल टूपाक को एक मालिश देती है क्योंकि उसने सुबह उसके साथ रात बिताने से इनकार कर दिया था। ब्रायन आपका पीछा करती है नायके पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का और उसे दोष देने का आरोप लगाते हुए, ये दावा करते हुए कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। ब्रियाना चला जाता है और पुलिस जल्दी से आपके पैक और खोल दोनों का जब्त कर लेती है। टूपाक ने प्रेस के सामने अपना बचाव किया, मिशेल पर उसे स्थापित करने का आरोप लगाया क्योंकि दूसरे पहले ही अपराध से दूर हो गया था। उनमें से कई उसकी हत्या करने का फैसला करते हैं लेकिन नायके मना कर देता है और उन्हें ऐसा नहीं करना का आदेश भी देता है। हालांकि उनमें से कुछ ने मानने से इनकार कर दिया और चुपके से टूपाक की मौत की साजिश रची। वही दूसरी ओर गोलियां गाली गलोच की अफवाह का आप पर असर हो रहा है। 30 नवंबर 1994 को रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाते समय मेरे शो और फिल्में खो गई। डेटेक्टिव के प्रयास के दौरान टूपाक को 5 बार गोली मारी जाती है जिससे उसकी लगभग मौत हो जाती है। टूपाक जल्द से जल्द अस्पताल छोड़ने का फैसला करता है। निश्चय ही ये सब एक जाल होता है और वे उसके पीछे है। कुछ दिनों बाद वरियाना के दुर्व्यवहार के मुकदमे पर बहस कर रहा है जिसमें वह पाता है कि अपराधी 8 फरवरी 1995 को अपना मुकदमा चला रहा है। टूपाक इस समय एक ऐसे अपराध के लिए जेल में है जो उसने किया ही नहीं है। जेल में आपके पैक का जीवन शुरू होता है जहां अधिकारियों द्वारा उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। वो अपने पहले ही दिन जेल पहुंचे टूपाक बिगी का गाना सुनता है जिसमें चर्चा की जाती है कि उसके पैक का क्या हुआ। उसे ये पता चलता है कि बिली कभी उसका दोस्त नहीं था और उसने उसकी हत्या की योजना बनाई थी और वो और नायके उसे बंद करके का इरादा रखते हैं ताकि वो उस समय का सबसे अच्छा रैपर बन सके। उसे उत्तेजित देखकर आपके पैक का एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और उससे कहता है कि यदि वह जेल से बाहर निकलना चाहता है तो उसे ये सुनना देना चाहिए कि ये देखने लायक नहीं है कि बिली को भुगतान किया जाए और उसके मुक्त जीवन जीने के अवसर को बर्बाद किया जाए। टूपाक समझने लगता है और शांत हो जाता है। टूपाक एक दिन उसकी माँ से मिलने जाता है और वह उसे जेल में जीवित रहने की सलाह देता है क्योंकि जब वो उसके साथ गर्भवती थी तो उसे कैद कर लिया गया था। कुछ सप्ताहों के बाद आपका पाक बड़े जूतों से संपर्क करने का निर्णय लेता है जिसने एक बार उससे कहा था कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे जेल में बुला सकता है। वे दोनों एक नई डेथ रो के बारे में सहमत नहीं है जबकि टूपाक राजी था। टूपाक को जेल से रिहा किया गया है और डेथ रो रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में डेथ रो के उपहारों के साथ उसका स्वागत किया जाता है। टूपाक नए गानों पर डॉक्टर ट्रे के साथ सहयोग करता है, उनकी वापसी को चिन्हित करता है और उसी दिन एक पार्टी में स्नूप डॉग से मिलता है। टूपाक अपने पूर्व प्रबंधक एट्रॉन से मिलता है और उसके लिए उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन वो अब डेथ रो के साथ है। ऐसा लगता है कि वो समझ गया है और दोनों के बीच अच्छे संबंध क्योंकि वे उदासी के साथ अलविदा कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपने पीएसी को देखभाल करने की सलाह ना दे, उसके बाद वे टूपाक लेबल पर अपने नए एल्बम के नाम पर चर्चा करते हैं जब उनकी कई सहयोगिता आते हैं, ये दावा करते हुए कि रंगीन पुरुषों के एक समूह ने उनमें से एक पर हमला किया और उसकी चेन उतार दी। वे समय से पहले योजना बनाते हैं ताकि सभी के पास एक एस्कॉर्ट हो। डेथ रो रात में क्लब में जाते हैं और पिगी की पत्नी से मिलता है जिसके लिए टूपाक उन्हें एक साथ एक गीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है जिसे वो स्वीकार करती है, और इसका मतलब यह है कि उन्होंने टूपाक के संगीत कार्यक्रम के दौरान एक साथ रात बिताई थी। उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया और बिली ने उसके साथ क्या किया, इस बारे में गाना गाकर वह पिगी के लिए अपनी प्रशंसा दिखाता है। संगीत कार्यक्रम के बाद उसने प्रतिशोध की कसम खाई, वह जो कह रहा उसके बारे में उसे काम पर ले जाए, यह दावा करते हुए कि जिस आदमी से वो मिली थी वो उन लोगों को साथ लेने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करना चाहता था न कि वो क्या कर रहा था।
वे अब इसके बारे में बात करते हैं और जेड़ा उसके साथ चली जाती है। सब कुछ होने के बावजूद अपने दोस्त के रवैये से दिल टूट जाता है। कुछ समय बाद आपका पैक एक प्रेमिका के साथ खुश प्रतीत होता है और डेथ रोड के साथ उसका अनुबंध समाप्त होने वाला है। उसका साथी स्वीकार करता है कि उसके बाद वह स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन वह डरती है कि वह कैसा प्रतिक्रिया देगा। हालांकि उपका पाक उसे चिंता न करने की सलाह देता है। आपकी पाक को उससे संपर्क करने का निर्णय लेने देने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन वह उसे जाने नहीं देगा, ये दावा करते हुए कि उसकी सफलता के बावजूद उस पर उसके पैसे बकाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके रिकॉर्ड ने वादा किए गए धन को नहीं बनाया है। सुशी अगले दिन आपके पीएसी से मिलती है और उसे केवल आधे मन से जाने देने का फैसला करती है, लेकिन ईस्ट कोस्ट पर एक डेथ रोड ने खतरे खोलने के लिए जिसे आपके पीएसी द्वारा अधिक स्वतंत्र होने के लिए निर्देशित किया जाएगा। डेथ स्ट्रोक ईस्ट का प्रशासन एक संघर्ष पैदा करता है क्योंकि ईस्ट कोस्ट जनता विकी को पसंद करती है और स्नूप डॉग ने कहा कि बिली और उसके दोस्त आपके पैक थे। उनका मानना है कि जब वे मौत की कतार में थे तब स्नूप ने अपनी सभी को धोखा दिया था। वे अत्यंत स्नूप को उसके व्यवहार के कारण अस्वीकार कर देते हैं, जिसमें रैपर को अपने जीवन के लिए डर लगता है। टूपाक और मौत की कतार में खड़े बागी लोग 7 सितंबर 1996 को एक कैसीनो में मिले थे। फिर आपको पीएसी टूपाक के साथ क्लब की अपनी यात्रा की तैयारी के लिए होटल लौटता है। वह कार स्टेश में था जब एक ट्रैफिक लाइट पर एक सफेद वाहन अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में रुक गया। एक गनमैन आपके पाक को कई बार शूट करता है। ये वो चोटे हैं जिन्होंने अत्यंत रैप किवंदती के जीवन का दावा किया। इस तरह मूवी यहां पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।